गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हमारा एक वीडियो क्रिया के बारे में आ चुका था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो वर्ब से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था, ठीक है ना। इंग्लिश में क्रिया को वर्ब बोला जाता है और हिंदी में क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में धातु रूप बोला जाता है। संस्कृत में क्रिया को क्या बोलते हैं? धातु रूप, ठीक है। तो इस तरह से इसके तीन नाम होते हैं। क्रिया की परिभाषा हम पहले वीडियो पे आपको बता चुके थे, क्रियापद क्या होते हैं ये भी आपको हम पहले वीडियो में समझा चुके थे। इसके बाद हमने आपको क्रिया के जो भेद होते हैं, यानी परिभाषा पढ़ने के बाद क्रिया के भेदों की बात की जाती है, तो क्रिया के भेदों के संबंध में भी हम चर्चा कर चुके थे, ठीक है ना बच्चों। अब उसके बाद हमने जो है कर्म के आधार एक भेद था जिसको हम सकर्मक कहते हैं, उस भेद के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की। चूँकि 10th क्लास के लिए ये जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा मोस्ट है, वैसे सभी क्लास के लिए ये इम्पॉर्टेंट है ना। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े जाते हैं, जिसमें वर्ब नाम का एक पार्ट जो है वो भी आता है। तो जब आप हिंदी में उसको समझ गए तो इंग्लिश में भी आपको समझने में कतई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो मैंने ये बताया था, सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है जब वाक्य के अंदर क्रिया के साथ कर्म की उपस्थिति पाई जाती है, या ये कह सकते हैं जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म आए तो वह वाक्य आपका सकर्मक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सकर्मक वाक्य, ठीक है बच्चों। अब हम बात करें तो देखिए, सकर्मक क्रिया के कुछ आगे के भेदों के बारे में बात करें तो वो समझने का प्रयास आपको करना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों कि आपको जो प्रश्न दिया जाएगा उस प्रश्न में आपसे यही पूछा जाएगा कि प्रस्तुत वाक्य में क्रिया का जो रूप है वो सकर्मक है या अकर्मक है। तो आप बच्चों में ये समझ विकसित होनी चाहिए कि जो वाक्य में क्रिया आ रही है उस क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने कुछ साधारण से उदाहरण कल आपको दिए थे, आज कुछ अन्य उदाहरण सकर्मक क्रिया के बारे में आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे देखिए, मैंने आपको ध्यान हो तो काल के टॉपिक के अंदर, काल या टेंस के टॉपिक के अंदर आपको बताया था कि सामान्य भूतकाल, ठीक है, या आपको मैं कहूँ कर्मवाच्य का जो वाच्य वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें कर्मवाच्य में जब हमने कुछ उदाहरण देखे थे तो उन उदाहरणों के अंदर हमने पाया था कि कर्मवाच्य में कर्ता के साथ नेपर्सर्ग का प्रयोग किया गया था। कर्ता के साथ किसका प्रयोग किया? नेपर्सर्ग लगाया था, नेपर्सर्ग, ठीक है बच्चों, लगाया था ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कर्ता के साथ नेपर्सर्ग आएगा तो क्रिया किस में होगी? हमेशा एक तो होगी भूतकाल में, भूतकाल, ठीक है। एक तो आपकी क्रिया हमेशा भूतकाल में होगी, और अगर आपसे पूछ लिया जाए वाच्य कौन सा है तो वाच्य हमेशा कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि प्रस्तुत वाक्य में क्रिया कौन सी होगी तो क्रिया आपकी सकर्मक होगी। कौन सी होगी? सकर्मक। कभी भी अकर्मक नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आपको कर्म अवश्य देगा, इसीलिए वो कर्मवाच्य होगा और क्रिया भी आपकी कैसी होगी? सकर्मक होगी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक की स्थिति आपके समझ में आई होगी। अगर हम उदाहरण देखें तो देखिए, जैसे इस नियम से संबंधित उदाहरण आपको बता रहा हूँ, जैसे में मैंने लिखा राम ने पुस्तक
पढ़ी। ठीक है बच्चों, मैंने लिखा मोहन ने फल खरीदे। ठीक है, मैंने लिखा उषा ने आम खाया। दिख रहे हैं ना बच्चों, तीनों उदाहरण आपको दिख रहे होंगे। मैंने पहले उदाहरण में लिखा राम ने पुस्तक पढ़ी। अगर आपको ध्यान हो तो भूतकाल की पहचान में मैंने आपको बताया था कि क्रिया के अंत में आ, ई और ए, ये प्रत्यय आते हैं। ठीक है ना, तो देखें इसमें आ ई आ रहा है, इसमें ए आ रहा है और इसमें आ आ रहा है। ठीक है, तो सामान्य सा रूप समझ में आ गया, क्रिया जो है भूतकाल में है। क्रिया कौन से काल में है? भूतकाल में। ठीक है, अब हम देखें राम यहाँ पुरलिंग है। ठीक है ना, जबकि क्रिया स्त्रीलिंग की आ रही है, तो स्वाभाविक है क्रिया का प्रयोग इस राम के अनुसार नहीं है, बल्कि किसके अनुसार है? पुस्तक के अनुसार है। तो वाच्य आपका हो गया कर्म वाच्य। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आए, देखिए ये आपका कर्ता हो गया, ये आपकी क्रिया हो गई। अब मैं क्या प्रश्न लगा के आंसर निकालने की कोशिश करूं, तो राम ने क्या पढ़ी, तो आंसर निकल के आता है पुस्तक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कर्म हो जाएगा। तो स्वाभाविक है पढ़ना क्रिया आपकी यहाँ पर क्या होगी? पढ़ना क्रिया क्या होगी? सकर्मक। कैसी है? सकर्मक। मैंने अभी आपको एक नियम बताया, यदि कर्ता के साथ ने परसर का यूज़ किया जाए तो क्रिया जो भूतकाल में होगी वाच्य हमेशा कर्मवाच्य होगा और सकर्मक होगी। और हम देखें तो इन तीनों वाक्यों में मैंने यही चीज़ की है, ने परसर का कर्ता के साथ प्रयोग किया है, और ने परसर का कर्ता के साथ प्रयोग करने पर स्वाभाविक है कर्म भी आ रहा है, और कर्म आने के कारण यहाँ पर ये तीनों कर्म है, और कर्म आने के कारण ये जो आपका क्रिया रूप होगा वो क्रिया रूप कैसा होगा? ये क्रिया रूप आपका कैसा होगा बच्चों? ये क्रिया रूप आपका हमेशा सकर्मक होगा। क्लियर बच्चों? तो आप बच्चों को यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कर्ता के साथ हम ने परसर्ग का यूज़ करेंगे तो ने परसर्ग के साथ हमेशा कर्म का प्रयोग किया जाएगा, और जब वाक्य में कर्म होगा तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। क्रिया कैसी होगी बच्चों? सकर्मक होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, इस नियम को आप विशेष नोट डाल के अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट नियम आपका जो आता है, इन उदाहरणों को भी आप साथ में लिखेंगे जिससे आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपको जो समझनी है वो ध्यान से समझनी है। देखिए यदि क्रिया प्रेरणार्थक हो, देखिए नेक्स्ट नियम आपका आता है, नियम दो डाल सकते हैं आप, यदि क्रिया प्रेरणार्थक हो, प्रेरणार्थक हो तो वह क्रिया क्रिया हमेशा हमेशा सकर्मक सकर्मक होती है। ठीक है बच्चों, यानी यदि क्रिया प्रेरणार्थक होगी तो वो क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे हम उदाहरण देखें, राम ने मोहन से पुस्तक पढ़वाई। ठीक है ना, यानी राम स्वयं पुस्तक को नहीं पढ़ रहा है, बल्कि किससे पढ़वा रहा है? मोहन से पढ़वा रहा है।
तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि ये जो वाक्य आया है ये प्रेरणार्थक है, यानी कर्ता स्वयं कार्य न करके कर्म से किसी कार्य को करवाता है, तो वहाँ आपका जो होता है प्रेरणार्थक क्रिया होती है, और प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती है, क्योंकि इसमें दो कर्म आ रहे हैं। दूसरा मैंने लिखा, मैंने नाई से बाल कटवाए। तो देखिए बच्चों, इसमें भी वही चीज़ निकल के आ रही है कि मैं स्वयं अपने बालों को नहीं काट रहा हूँ, यानी काटने का काम मैं कर्म से करवा रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति से करवा रहा हूँ। जिससे करवा रहा हूँ वो कौन है? नाई है। नाई से क्या करवा रहा हूँ? बाल कटवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? बाल कटवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जिससे अपन कार्य करवाएंगे या जिससे काम होगा, नाई से काम हो रहा है, कर्म कारक हो गया, बाल आपके क्या हो गए? कर्म हो गए। पुस्तक क्या हो गई? कर्म हो गई, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है, यदि क्रिया प्रेरणार्थक हो तो वह क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि सकर्मक क्रिया के अगर भेद होते हैं तो वो कितने होते हैं। तो देखिए बच्चों, पासबुक के अंदर अगर हम देखें तो आपकी पासबुकों के अंदर जो है वो तीन भेद किए हुए हैं, जबकि ऑथेंटिक किताब या एनसीईआरटी बुक के अनुसार सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला भेद जो होता है एक कर्मक क्रिया, ठीक है, और दूसरा भेद जो होता है वो होता है द्विकर्मक क्रिया। ये आपको ध्यान रखना है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला भेद एक कर्मक क्रिया और दूसरा भेद द्विकर्मक क्रिया। पासबुक में अपूर्ण सकर्मक क्रिया भी दे रखा है, तो उसको आपको नहीं करना है, केवल इन दो भेदों को दिमाग में रखना है। अब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यानी जिस क्रिया के अंदर एक कर्म होगा, यानी जिस क्रिया का अर्थ एक ही कर्म से स्पष्ट हो जाएगा, वहाँ आपका एक कर्म होगा। आ रहा है समझ में? यानी जिस क्रिया का अर्थ एक ही कर्म से स्पष्ट हो जाए, जैसे इसकी परिभाषा लिखें, विस्तार से अध्ययन करें, तो देखिए एक कर्मक क्रिया, ठीक है, पहला जो उपभेद है वो है आपका एक कर्मक क्रिया। तो देखिए परिभाषा क्या बनती है, परिभाषा अगर हम देखें तो क्या बनती है, देखिए जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म हो, वहाँ क्रिया एक कर्मक होती है, ठीक है बच्चों। यानी अगर वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म हो तो वहाँ आपकी क्रिया कैसी होगी? एक कर्मक होगी। जैसे हम उदाहरण लिखें, सामान्य से उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीता आम खा रही है, सीता आम खा रही है, मोहन खरीद रहा है।
तो यहाँ हम इन तीनों वाक्यों को, तीन तिगाड़ा हो जाता है, एक और लिख देता हूँ, सीता सीता आलू ला रही है। ठीक है बच्चों, ये चार वाक्य अगर हम गौर से देखें, चारों वाक्यों की क्रियाओं को अगर हम गौर से देखें, तो इस वाक्य में हमारी आती है पढ़ना, ठीक है, इस वाक्य में आती है खाना, इस वाक्य में आती है खरीदना, और इस वाक्य में देखें लाना। ये हमारी चार क्रियाएं हैं। अब देखें कर्म को अगर निकालने की कोशिश करें तो क्या पढ़ रही है, तो निकल के आता है पुस्तक, ठीक है ना। क्या खा रही है, तो निकल के आता है आम। क्या खरीद रही है, तो कलम, ठीक है बच्चों। आलू क्या ला रही है, आलू। तो इस तरह हम देखें ये आपके कर्म निकल के आते हैं। तो यहाँ आपकी स्थिति होती है कि वाक्य में केवल एक ही कर्म निकल के आया है, दूसरा कर्म कहीं भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी क्रियाएं जिनके साथ वाक्य में एक ही कर्म होगा, वो सभी क्रियाएं किसके अंदर आएंगी, सकर्मक क्रिया के अंदर आएंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है ये हो गया एक कर्म, यानी एक कर्म के आधार पर। अब दूसरा इसका जो भेद है ये लिख लिया होगा सबने। दूसरा भेद देखें, नाम से जैसा कि नाम लिख रहा है वैसा ही इसकी परिभाषा बनेगी। जब वाक्य के अंदर दो कर्म हो, जब वाक्य के अंदर कितने कर्म हो, दो कर्म हो। द्विकर्मक क्रिया को अगर हम देखें तो देखिए एक कर्म को हटा दिया, यह लिख दिया द्विकर्मक। ठीक है बच्चों, अब मैंने लिखा जब जब वाक्य में क्रिया के साथ जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाए तो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, कौन सी क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैंने वाक्य लिखा धनी पुरुष ने भिखारी को दान दिया, है ना। धनी पुरुष ने भिखारी को क्या दिया, दान। दूसरा लिखा सीता ने राधा को पुस्तक दी। तीसरा प्रश्न, अध्यापक जी ने छात्रों से प्रश्न पूछा। ठीक है बच्चों, है ना। एक और एग्जांपल अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्रधानाचार्य ने चपरासी से कुर्सी उठवाई। प्रधानाचार्य
आचार्य जी ने चपरासी से कुर्सी उठवाई। ध्यान से देखिए बच्चों, आपके सामने जो है सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखी गई। परिभाषा में आपको बताया गया कि द्विकर्मक कहाँ होगा। आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा कि द्विकर्मक जो है वो वाक्य में है कि नहीं। आपसे तो केवल सकर्मक और अकर्मक पूछा जाएगा, लेकिन आपको सामान्य नॉलेज होनी चाहिए, आप पहचान सकें। तो देखिए, यहाँ अगर हम देखें गौर से इस वाक्य के अंदर, हम ध्यान से देखें, देखिए इन क्रियाओं को अगर हम ध्यान से देखें या इसकी परिभाषा को ध्यान से देखें, तो हमें पता लगता है कि जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग, कर्म ही कर लेना इसको, कर्मों थोड़ा अटपटा लगता है, दो कर्म का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना, दो कर्म का प्रयोग किया जाए तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। द्वि माने दो, कर्म माने कर्म। मैंने वाक्य लिखा धनी पुरुष ने, यहाँ ये धनी पुरुष आपका कर्ता हो गया। कर्ता ने किसको, एक तो भिखारी को क्या दिया, दान दिया, है ना, तो दो कर्म हो गए। इसी तरह सीता ने किसको, राधा को क्या दी, पुस्तक दी, दो कर्म हो गए। अध्यापक ने छात्रों से, किससे, छात्रों से क्या पूछा, प्रश्न पूछा। प्रधानाचार्य जी ने किससे, चपरासी से क्या उठवाई, कुर्सी उठवाई, ठीक है। तो इस तरह से आपका द्विकर्मक होगा। द्विकर्मक में आपको ध्यान रखना है, एक आपका सजीव होगा जिसमें लाइफ होती है, यानी एक प्राणी होगा, एक प्राणी कर्म होगा जो एक प्राणी होगा, और एक आपका निर्जीव होगा, ठीक है ना, जिसको अपन जड़ पदार्थ कह सकते हैं। तो जो इसमें निर्जीव होगा वो मुख्य कर्म होगा, और मुख्य कर्म के अनुसार ही आपकी क्रिया आएगी, मुख्य कर्म, ठीक है ना। और ये गौण कर्म होगा, ये आपको दोनों स्थिति ध्यान रखनी है। आपसे कोई पूछ ले, बाई चांस पूछेगा नहीं, सामान्य सी नॉलेज, कोई आपकी इंटेलिजेंसी या आपकी बुद्धि को परीक्षण करने के लिए आपसे पूछ ले कि भाई ये द्विकर्मक क्रिया में प्राणी जो होता है, यानी मुख्य कर्म कौन सा होता है और गौण कर्म कौन सा होता है, तो जो प्राणीवाचक शब्द होता है, संज्ञा शब्द, वो आपका गौण कर्म होता है, जबकि मुख्य कर्म निर्जीव होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके सकर्मक क्रिया के भेद कंप्लीट होते हैं, सकर्मक क्रिया कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम अकर्मक क्रिया और अन्य जो भेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप अगर इस सकर्मक क्रिया को समझ गए तो अकर्मक क्रिया में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अपना अध्ययन जारी रखें, ठीक है ना।